नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका। नमस्कार, मैं श्याम बचोरी सर, आप सब लोगों का नमस्कार है। मैं श्याम बचोरी सर, आज आपको क्लास ट्वेल्थ का रे ऑप्टिक्स का प्रिज्म फॉर्मूला कराने वाला हूं, ठीक है? तो ध्यान से सुने, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है? मेहनत करें, टॉपिक के ऊपर अच्छा टॉपिक है, प्रैक्टिकल में भी आता है और थ्योरिटिकल भी है, ठीक है? थ्योरी में भी आएगा और इसमें आएगा, प्रैक्टिकल में भी आता है, ठीक है बेटा? थ्योरी का टॉपिक भी है ये और प्रैक्टिकल टॉपिक भी है, ठीक है? दोस्त को अच्छे से पढ़ें, बाकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताएं। देखिए, प्रिज्म क्या होता है, सबसे पहले समझे कि व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रिज्म। बताओ प्रिज्म किसे कहते हैं? बोले बोले, व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म की बात करते हैं पहले कि प्रिज्म है क्या, प्रिज्म क्या है, कैसे बनता है, सब समझता है। प्रिज्म क्या है? थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऑफ ग्लास अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऑफ ग्लास हैविंग टू ट्रायंगल्स एंड थ्री रेक्टेंगल्स। प्रिज्म इज अ क्या होता है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऑफ ग्लास हैविंग टू ट्रायंगल एंड थ्री रेक्टेंगल्स, ठीक है? प्रिज्म क्या है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। देखो मैं आपको प्रिज्म बना के दिखाता हूँ, सिंपल डायग्राम प्रिज्म का। सपोज करो आपने एक राइट एंगल प्रिज्म की बात कर रहे हैं, ये मेरा एबीसी, एक क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है? देखो समझो, यहां से एक लाइन खींचो ऐसे, यहां से लाइन खींची ऐसे, यहां से लाइन खींची ऐसे, ठीक है बेटा? अब इसको क्या करो, इसको इससे ज्वाइन करो, दिख रहा है आपको ये? देखो डी ई एफ, तो ये क्या हो गया हमारा दूसरा ट्रायंगल है। देखो पहला ट्रायंगल कौन सा बेटा, एबीसी पहला ट्रायंगल है। ट्रायंगल की बात करते हैं, देखो ट्रायंगल में जो फर्स्ट ट्रायंगल है वो है ट्रायंगल एबीसी, दूसरा ट्रायंगल है डीईएफ, ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है बेटा? कितने ट्रायंगल हो गए, दो ट्रायंगल हो गए, ठीक है? अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं रेक्टेंगल की बात करते हैं। बेटा किसकी बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल की, समझो। रेक्टेंगल क्या होगा, इसमें पहला रेक्टेंगल की बात करता हूं, ए डी ई बी, पहला ए डी ई बी रेक्टेंगल, ए डी ई बी ये वाला हो गया। दूसरा रेक्टेंगल कौन सा है, ए डी एफ सी, ए डी एफ सी, एक नीचे वाला बी ई एफ सी, बी ई एफ सी, ठीक है बेटा? कितने ट्रायंगल हो गए, इसमें दो ट्रायंगल हो गए और तीन क्या हो गए मेरे, रेक्टेंगल हो गए। चलो अब एक चीज बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ प्रिज्म, दिख रहा है आपको ये, ये क्या है मेरा, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? देखो प्रिज्म में क्या होता है, दो फेजेस है, मान लो ये इंसिडेंट फेज है, ये इमरजेंट फेज है। देखो समझो, कैसे ये मेरा इंसिडेंट रेक्टेंगल है, ठीक है? कौन सा रेक्टेंगल है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट फेज, ये मेरा इंसिडेंट फेज वाला रेक्टेंगल है, ठीक है? और ये मेरा इमरजेंट फेज वाला रेक्टेंगल है, इमरजेंट फेज रेक्टेंगल, ठीक है बेटा? देखो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट फेज एंड इमरजेंट फेज ऑफ अ प्रिज्म इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है? उसे एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। याद रखो, फॉर इक्विलेटरल हमारी लैब में हम यूज करने वाले हैं वो कौन सा प्रिज्म होगा बेटा, इक्विलेटरल प्रिज्म, थीटा या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म बोल दो इज इक्वल टू 60 डिग्री, सारी साइडें सेम होंगी, सारे एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो प्रिज्म क्या होता है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, हैविंग टू ट्रायंगल थ्री रेक्टेंगल्स। एंगल ऑफ प्रिज्म इज द एंगल विच बिटवीन इंसिडेंट फेज एंड इमरजेंट फेज, ठीक है? अब यहां देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो ये एक रजिस्टर है मेरे पास, कॉपी है, इसमें देखो ये इंसिडेंट फेज है, ये इमरजेंट फेज है, इन दोनों फेज के बीच में दिख रहा है आपको ये, देखो इन दोनों फेज के बीच में जो आपको दिख रहा है ये इंसिडेंट फेज इमरजेंट फेज, इन दोनों फेज के बीच में जो दिख रहा है वही मेरा क्या है, वही एंगल ऑफ प्रिज्म है। क्या है, वही मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म। देखो अब समझो रेक्टेंगल वो हमारा प्रिज्म होता कैसे, ये है एक ट्रायंगल, एक दूसरा ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल, एक इसके नीचे रेक्टेंगल, तो क्या हो जाएंगे, तीन रेक्टेंगल हो जाएंगे
और क्या हो जाएंगे बेटा हमारे पास, दो ट्रायंगल हो जाएंगे, इक्विलेटरल के लिए कितना होता है 60 डिग्री। अब प्रिज्म के टाइप कौन कौन से होंगे, टाइप समझो, जितने ट्रायंगल के टाइप होते हैं बेटा उतने ही प्रिज्म के टाइप हो सकते हैं। देखो प्रिज्म के टाइप कौन कौन से होंगे, पहला टाइप है इक्विलेटरल जो मैंने आपको बताया जो फिजिक्स लैब में यूज करेंगे, दूसरा है आइसोस्केलिस, तीसरा है स्केलिंग वाला भी हो सकता है, और चौथा हो सकता है राइट एंगल। ठीक है बेटा, ये क्या है मेरे, ये चार टाइप के क्या है प्रिज्म है। ठीक है प्रिज्म समझ में आई बात, प्रिज्म क्या है, थ्री डायमेंशनल ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ ऑब्जेक्ट है जिसका काम क्या है, जिससे हम क्या करते हैं बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करेंगे। ठीक है जिससे डिस्पर्शन भी शो होगा और बहुत सारे फिनोमेना हम स्टडी करेंगे, और एंगल ऑफ प्रिज्म जानते हैं इंसिडेंट फेज एमर्जेंट फेज के जो बीच का एंगल है वही क्या है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है। प्रिज्म में आप देख लें दो ट्रायंगल हैं, तीन रेक्टेंगल हैं। ठीक है जल्दी से नोट करें फिर आगे चलते हैं। ठीक है नोट डाउन फास्ट। ठीक है चलें तो अब हम आगे चल रहे हैं। देखें तो हमने ये प्रिज्म देखा कि आखिर प्रिज्म होता क्या है ना, पहले बेसिक पता होना चाहिए हमें प्रिज्म के बारे में। ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म हो चुका है, चलें हटाएं इसको। देखो आप समझो प्रिज्म कितने टाइप के हैं, इक्विलेटरल है जो हमने बताया आपको, आइसोस्केलिस स्केलिंग और राइट एंगल, ये राइट एंगल बना हुआ है आपके सामने, हटा लें इसको। देखो आप समझो, आप थोड़ा सा हम और अंदर चलते हैं इसमें और बताते हैं कैसे प्रिज्म फॉर्मूला हमें प्रूव करना है। ठीक है प्रिज्म फॉर्मूला क्या है, रिलेशन से इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, एंगल ऑफ प्रिज्म में और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, इसके बीच में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। देखो मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूं। देखो बेटा ये मेरा प्रिज्म है, वेट वन सेकेंड, देखो ये प्रिज्म है। ठीक है दिख रहा है प्रिज्म, देखो समझो यहां पर ए बी सी ये प्रिज्म है हमारा, आइसोसेलेस नहीं हमारा, ये इक्विलेटरल प्रिज्म मान लो। ठीक है यहां देखो इस वाले पॉइंट पे क्या करूंगा मैं, नॉर्मल डालूंगा, डालो नॉर्मल, अब यहां से डालो इंसिडेंट, ये नॉर्मल है एन ओ, मान लो नॉर्मल है मेरा, यहां देखकर डाल रहा हूं मैं, अब मैं यहां से डाल रहा हूं इंसिडेंट रे डाल रहा हूं। देखो ये इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, ये क्या है आई वन एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या बेटा हमारी इंसिडेंट रे है, पढ़ा हुआ है आपने टेंथ में एक टॉपिक पढ़ा हुआ है। ठीक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, अब देखो रेयरर टू डेंसर, देखो लाइट जानी कैसी चाहिए, लाइट पे जानी चाहिए ऐसे, ये तो होना चाहिए एग्जैक्ट पाथ क्या होगा इसका, यही होगा, बट लाइट रे ऐसे तो नहीं जाएगी, बिकॉज रेयरर टू डेंसर इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्या होगी इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है इस वाले पॉइंट पे क्या करते हैं नॉर्मल डालते हैं, फिर से नॉर्मल डालो उस वाले पॉइंट पर, देखो नॉर्मल डाल रहा हूं मैं, यहां से मैंने नॉर्मल डाला इस पर, ठीक है यहां से मैंने नॉर्मल डाला इस पर, अब देखो अब क्या करेंगे यहां पे नॉर्मल डालने के बाद, अब देखो डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस इज आई टू, समझो ये आई वन है ये आई टू है, ये बताओ ये इंसिडेंट रे है मैं बढ़ा दिए, ये कौन सी रे बेटा इमरजेंट रे, कौन सी रे है इमरजेंट रे। ठीक है इसको पीछे ले जाओ, देखो इंसिडेंट रे इमरजेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, क्या बोलते हैं बेटा द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट रे, तो हेडिंग लिखो पहले राइट डाउन कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, पूछते हैं एग्जाम में एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज डेल, द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट रे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, क्या बोलते हैं इसे हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, कौन सा एंगल बेटा देखो बिल्कुल आराम समझो कोई जल्दबाजी नहीं है, इंसिडेंट रे इमरजेंट रे इन दोनों के बीच का जो एंगल है वही क्या है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है एंगल ऑफ डेविएशन क्लास आपने टेंथ में पढ़ा होगा I प्लस E इज इक्वल टू ए प्लस डेल होता है, I क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, E क्या है एंगल ऑफ इमरजेंस, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ये क्या बेटा दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस ये हमारा इमरजेंट रे का नॉर्मल से, ये कौन सा है ये रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है बेटा अब ये समझो इसको मैं एल बोल देता हूं, इसे मैं एम बोल देता हूं, ठीक है और ये
इसका एक नाम दे दो, मान लो इसको पी बोल दो, ठीक है। चलो आपको समझाइए एंगुलर डेविएशन क्या होता है। देखो ये लाइट रे जा रही थी, ध्यान दो ये लाइट रे जा रही थी, ये बेंड हो गई, ये जो एंगल दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो डेल दिख रहा है वही क्या है हमारा, वही हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है। क्या है बेटा? एंगल ऑफ डेविएशन। और ये रिलेशनशिप हमेशा ट्रू होता है, ऑलवेज ट्रू। इस रिलेशनशिप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये हमेशा ट्रू होता है। आई वन प्लस आई टू, आई और ई, इसको ई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको आप ई भी बोल सकते हो, ठीक है। तो दोनों को आप ऐड करो तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एल के बराबर होता है, ठीक है। इसको भी बोलते हैं क्या, दिस इज नोन एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। कौन सी ऑप्टिक्स है बेटा? ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मतलब आप इसमें सारे ज्योमेट्री के रूल्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या सीखा हमने, ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी इमरजेंट रे, इनके बीच का जो एंगल है, देखो ये एंगल भी क्या होगा मेरा, ये एंगल भी मेरा डेल होगा। क्या होगा? ये वाला एंगल भी डेल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपने मैच पढ़ा हुआ है। चले तो ये हमारा क्या हो गया, देखो आप देखो मैं बात करता हूँ, प्रिज्म फॉर्मूला होता क्या है, रिलेशनशिप है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन होता ना, साइन है ये, कौन साइन है, ए प्लस डेल एम बाय टू डिवाइड बाय साइन ए बाय टू। बेटा ये ए क्या है, जो मेरा ए है वो है एंगल ऑफ प्रिज्म, अब बता चुका हूं आपको, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। और डेल एम क्या है यहां पर, डेल एम है मेरा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्या होता है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, होते हैं बच्चे, तो ये इसको मीन मान लेते हैं, सारे डेल का मीन कर देते हैं, गलत हो जाएगा, प्रैक्टिकली रॉन्ग हो जाएगा, थ्योरेटिकली भी गलत है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इसकी वैल्यू है बेटा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। प्रिज्म फॉर्मूला इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड द डेविएशन, मिनिमम डेविएशन। देखो म्यू में, ए में, डेल एम में, ये फॉर्मूला वही है, साइन है ये, कौन साइन है, हुआ क्या है यहां पर कि आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू ये है, ये आई की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू, ये आई है और ये आर है। पढ़ाया स्नेल्स लॉ, म्यू इक्वल टू साइन है ये, कौन साइन है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है, फिर समझो, इंसिडेंट रे, रेयर टू टेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, टेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। एक चीज और देखो, यहां पर मेरा एंगल है R1, यहां पर एंगल है R2, ये वाला एंगल क्या होगा, I1 माइनस R1, और ये वाला एंगल क्या होगा, I2 माइनस R2। बिल्कुल सिंपल है, देखो इसमें से ये माइनस करो ये आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करो ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। एक चीज और देखो, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। देखो आई वन आई टू के बराबर हो जाए आई, आर वन आर टू के बराबर हो जाए आर, डेल हमारा डेल एम हो जाए, मिनिमम हो जाए, दिख रहा है, एल एम, एल एम पैरेलल टू बेस हो जाए, बेस एल एम पैरेलल टू बेस हो जाए, ठीक है। और हमें जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ बताऊंगा अभी आपको, प्रैक्टिकली बताऊंगा कैसे निकल के आता है, डेल में आई में एंगल लेना आप 30 से 60 के बीच में, इसका एंगल लोगे, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस लोगे वो 30 से 60 के बीच में लेना, ठीक है। देखो 35 दे रहा हूं मान लो, फिर ये वैल्यू ज्यादा होगी, फिर 40 में वैल्यू क्या होगी कम, 45 पे लॉक ऐसे से होते होते ये ऐसे होता है 45 50 55। ये आपको क्या करने पड़ेंगे, ग्राफ प्लॉट करने पड़ेंगे, ऐसा करके, ठीक है। ग्राफ प्लॉट कर लेंगे तो बात की बात है, पहले देखो ये वाला पॉइंट क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे क्या मिल रहा है मुझे, डेल एम मिल रहा है, दिस द मिनिमम डेविएशन। ये ग्राफ कैसा ड्रॉ किया मैंने, लपेटना नहीं है, ये ग्राफ कैसे ड्रॉ किया है, ये ग्राफ ड्रॉ किया प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल करेंगे जब लैब में, जब लैब में आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उस समय प्रिज्म का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। प्रिज्म के लिए ये चार वैल्यू लोगे, पांच वैल्यू, और उसके लिए एक वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। आपको साइज से इतना समझ में आया होगा, कंडीशन मिनिमम डेविएशन क्या होती है, आई याद रखो, आई वन आई टू हमेशा बराबर नहीं होता, कब बराबर होता है बेटा, आई वन आई टू बराबर होता है जब मिनिमम डेविएशन हो, क्या हो, मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन के केस में आई वन आई टू क्या होता है, बराबर होता है, क्लियर है क्या, जल्दी से देख लो, ठीक है। आई वन आई टू
बराबर कब होगा? फॉर मिनिमम डेविएशन, ठीक है। आर वन आर टू बराबर हो जाएगा डेल टेन एम के बराबर, और बेस क्या होगा? जो रिफ्रेक्टेड रे पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म, जब ये इसके पैरेलल हो जाएंगे तो ये एंगल क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। चलो अब क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन देखते हैं, हाउ टू डिराइव दिस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ प्रिज्म पूछते हैं, फिर एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ठीक है, और एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज नोन एज प्रिज्म फॉर्मूला। यही क्या है हमारा? प्रिज्म फॉर्मूला है। क्या है बेटा? ये हमारा प्रिज्म फॉर्मूला है। चलो एक काम करते हैं, इस डायग्राम को फिर से बनाते हैं, है ना, थोड़ा सा गंदा हो गया है और ज्यादा हॉच पॉच हो गई है, आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस डायग्राम को फिर से बनाते हैं अच्छे से, ठीक है, एक बार फिर से इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं और इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि आप इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, ठीक है बेटा, इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है वो देखो। देखिए समझ, तो मैं कर रहा हूं, यहां देखो मैंने सबसे पहले क्या बनाया, मैं प्रिज्म फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूं। देखो मैंने प्रिज्म बनाया, ठीक है बेटा, प्रिज्म का नाम क्या है? एबीसी। इक्विलेटरल प्रिज्म लेके चलेंगे अब हम, यहाँ पे नॉर्मल डाल दो, ये मेरी इंसिडेंट रे है, एंगल ये वाला एंगल क्या है मेरा, ये एंगल आई वन है, ठीक है, ये एन ओ, ये यहाँ देखो ये रेयरर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल और डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये मेरा आई टू है, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, emergent ray, this is angle of prism, ठीक है, और ऊपर ले जाओ उसको, इसको ऊपर ले जाओगे, इसको ले जाओगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, ये मेरा डेल है, डेल समझते हो, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। अब यहाँ देखो ये मेरा आई वन माइनस आर वन है, नीचे आर वन है, ये क्या होगा, ये आर टू होगा, तो ये क्या होगा, आई टू माइनस आर टू, ठीक है। चलो डेल का फॉर्मूला क्या होता है, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्या होती है बेटा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, पहले देखो ये एल है, एम है, ये एन है, ट्रायंगल देखो एल एम एन, फॉर ट्रायंगल एल एम एन, ये बताओ बेटा एल एम एन ट्रायंगल में जो डेल होगा, जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होगा, आई वन माइनस आर वन प्लस आई टू माइनस आर टू हो जाएगा, आई वन माइनस आर वन प्लस आई टू माइनस आर टू, ये हो गई मेरी, ऐसे दो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है बेटा, सम होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत यहां पे चेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब समझो इन ट्रायंगल एल ओ एम, इन ट्रायंगल एल ओ एम डेरिवेशन लिखते जाओ, आर वन प्लस आर टू प्लस दिस मच, आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल एल ओ एम इज इक्वल टू 180 डिग्री, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है लिखते जाकर, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, एल ए एम ओ, इन क्वाड्रिलेटरल एल ए एम ओ, ये प्लस ये, ए प्लस एंगल एल ओ एम इज इक्वल टू कितना होगा 180, देखो होता 360 है, ये हमको ऐड कर दोगे माइनस कर देना, क्या हो गया ये सेकंड थर्ड हो गया, क्या करोगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड 180 कैंसिल, एल ओ एम कैंसिल, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी R1 प्लस R2 क्या आ जाएगी बेटा, तो चेक करो LOM से LOM कैंसिल हो जाएगा, ये हट जाएगा और A की वैल्यू क्या आ गई R1 प्लस R2, और फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन R1 R2 के बराबर होता है R के बराबर, तो A की वैल्यू क्या हो गई 2R, और R की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा A by 2, R की वैल्यू क्या हो गई A by 2 आ गया, क्या आ गया R की वैल्यू, आर की वैल्यू ए बाई टू, ए बाई टू समझते हो, ये एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइड बाई टू आ गया आर की वैल्यू। अब एक चीज देखो, मैं यहां पर पुट कर दूं मिनिमम डेविएशन वाली सारी कंडीशन, डेल एम इज इक्वल टू, इसको आई वन आई टू को क्या कर दो बराबर बोल दो इसके आई के,
और आर वन आर टू को बराबर बोल दो आर के, डेल एन इज इक्वल टू टू आई माइनस टू आर, ये तो होगा आई प्लस आई आर प्लस आर। ये बताओ डेल एन इज इक्वल टू टू आई माइनस ए, ए की वैल्यू है ये, अरे टू आर ए के बराबर है, इसको ले जाओ, आई की वैल्यू क्या होगी ए प्लस डेल एम बाई टू, दिख रहा है बेटा ये आई की वैल्यू है और ये आर की वैल्यू है। अब क्या लगाओगे आप, देखो आपके पास आई की वैल्यू भी आ चुकी है, ये आई की वैल्यू आ गई है, ये आर की वैल्यू आ चुकी है, और लगा दो बाय स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाय टू डिवाइड बाय साइन ए बाय टू। जल्दी से नोट कर लें कहां आएगा, ठीक है। ये क्या मेरा ये फॉर्मूला हो गया किसका, दिस इज नोन एज प्रिज्म फॉर्मूला। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया किस पर, मिनिमम डायरेक्शन पर, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया आर इक्वल टू ए बाई टू, दोनों वैल्यू पुट कर दी, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। जल्दी से नोट करो फिर इसको और आगे लिख लेंगे। बेटा जल्दी नोट करना, नोट डाउन फास्ट, ये क्या हो गया हमारा, जैसे हम बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला है, तो समझो कैसे किया, एक्स ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा दी ऊपर वाले ट्रायंगल में, नीचे वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी, और इन दोनों एंगल को जोड़ के 180 बना दिया, क्योंकि इन चारों को जोड़ोगे 360 होगा, इन दोनों को जोड़ोगे 180 होगा, तो दोनों कितने बचेंगे 180 बचेंगे, तो हमारी आर की वैल्यू आ गई ए बाई टू और आई की वैल्यू क्या आ गई ए प्लस डेल एम बाई टू। इसको प्रैक्टिस करना, क्या करना है इसको प्रैक्टिस करना है बेटा, क्या करोगे इसे आप प्रैक्टिस करना, इसे आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप भूल जाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो प्लीज डेरिवेशंस को प्रैक्टिस जरूर करें। चलें अब हम हटाते हैं इसको और आपको एक डेरिवेशन और बताते हैं सी के अंदर कि डेल का रिलेशन है, देखते हैं आगे, देखो आपको पहले इसको समझो, एंगल ऑफ प्रेजेंस समझ में आया, एंगल ऑफ डेरिवेशन समझ में आया, अभी मैं डिस्पर्शन डिस्पर्शन नहीं पढ़ा रहा हूं, जब पढ़ाएंगे तब देखेंगे, ठीक है। ये डेल का फॉर्मूला हो गया है हमारा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, हटा दें से, चलो हटाते हैं। देखिए अब मैं आपको वैसा ये वाला फॉर्मूला छोड़ देता हूं, बाकी सब इरेज कर देता हूं, ये वाले फॉर्मूले से अभी मैं एक आध फॉर्मूला और ड्राइव करूंगा, डेल में ए में म्यू में मैं एक फॉर्मूला ड्राइव करने वाला हूं, किसमें डेल में ए में और म्यू के बीच में। देखो रिलेशन बिटवीन, यहां देखो रिलेशन बिटवीन डेल ए एंड म्यू, एक चीज हमने देखी थी अभी, डेल इक्वल टू क्या था आई वन माइनस आर वन प्लस आई टू माइनस आर टू, ठीक है। ये बताओ बाय स्नेल्स लॉ म्यू क्या होता है, साइन आई वन अपॉन साइन आर वन, अगर एंगल स्मॉल है तो क्या हो जाएगा आई वन अपॉन आर वन, और म्यू की वैल्यू क्या होती है साइन आई टू अपॉन साइन आर टू, और अगर एंगल स्मॉल तो क्या हो जाएगा आई टू अपॉन आर टू, ठीक है। मजा आ रहा है, लाइक और शेयर भी करना, ठीक है। ध्यान दो आई वन की वैल्यू क्या है बेटा म्यू आर वन, और आई टू की वैल्यू क्या है म्यू आर टू। आप क्या करें आर वन आर टू को सेम मान लेंगे बाद में, पहले पकड़ो, चलो डेल की वैल्यू क्या होगी म्यू आर वन माइनस आर वन प्लस म्यू आर टू माइनस आर टू, और एक चीज बोलते हैं मिनिमम डिवीजन के लिए क्या होता है आर वन आर टू क्या होता है आर के बराबर, ठीक है। तो डेल इज इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू आर माइनस आर प्लस म्यू आर माइनस आर, तो टू आर कॉमन ले लो म्यू माइनस वन बचेगा डेल, और ये क्या होता है मेरा दिस इज ए, टू आर जानते हो पढ़ा था हमने, टू आर क्या होता था बेटा ए के बराबर होता है, डेल का फॉर्मूला क्या हो गया डेल इज इक्वल टू ए म्यू माइनस वन, किसके लिए ये फॉर मिनिमम डेविएशन, इसके लिए फॉर्मूला है फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के लिए क्या रिलेशन से होता है डेल इज इक्वल टू ए म्यू माइनस वन, ये रिलेशन से है, ये जल्दी से नोट कर लो डेल इज इक्वल टू ए म्यू माइनस वन, फिर मैं आप बताता हूं उसमें प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल करना सीखेंगे, क्लास टेंथ में देखा होगा ऑल पिन से एक्सपेरिमेंट करते थे, ग्लास स्लैब वाला ऑल पिन वाला एक्सपेरिमेंट, ऐसे ही कुछ करना है यहाँ पर। डेल इक्वल टू क्या हो गया ए म्यू माइनस वन, ये रिलेशन से है फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन
और ए और म्यू के बीच में, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो इसे, ठीक है। ये हमने वही फॉर्मूला लिया है, एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी, फिर हमने म्यू की वैल्यू, याद रखो साइन 0.5 डिग्री इज इक्वल टू 0.5, नियरली इक्वल टू, क्योंकि छोटी वैल्यू के लिए क्या होता है साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब हटा रहे हैं, हम आपको बताते हैं इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है और इसका ग्राफ कैसा बनेगा। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछते हैं, R1 R2 के बराबर है, I1 I2 के बराबर है, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हटा दें इसको, चलो बताते हैं इसे। अब बताता हूं आपको मैं कि इसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, क्या करेंगे इसका प्रैक्टिकल। देखो बेटा थ्योरी तो सबको ही आती है ना, हम थ्योरी सब पढ़ते हैं पर प्रैक्टिकल कुछ ही लोग करते हैं, तो प्रैक्टिकल चीज बहुत जरूरी है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखो इसका एम क्या होता है, टू ड्रॉ ग्राफ बिटवीन डेल वर्सेस आई फॉर अल फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म। मान लो इक्विलेटरल प्रिज्म के लिए बात कर रहे हैं, डेल में आई का ग्राफ बनाना है। अब देखो ऑपरेटर एम हो गया, फिर मटेरियल क्या क्या चाहिए, ऑपरेटर ऑपरेटर और मटेरियल क्या चाहिए, वुडन बोर्ड क्या चाहिए बेटा, वुडन बोर्ड चाहिए, A4 साइज पेपर, ठीक है, थंब पेन और बॉल पेन, ज्योमेट्री बॉक्स इसमें सब कुछ होना चाहिए, प्रॉपर इरेजर इरेजर ना सब कुछ। उसके बाद देखो प्रिज्म फॉर्मूला तुम जानते ही हो, इसको हम यूज करेंगे, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाय टू डिवाइड बाय साइन ए बाय टू, ये फॉर्मूला लगेगा, तो बाद में लगाएंगे, पहले देखो कैसे करते हैं। देखो क्या करो, सबसे पहले आप क्या करें कि वुडन बोर्ड पे, ये वुडन बोर्ड है मान लो, ठीक है, इस वुडन बोर्ड पर एक बीच में पेपर लगा लो, यहां पर थंब पिन सी और यहां से लाइन खींच दो, एक लाइन खींच दी। अब एक चीज देखो, यहां पर मैंने प्रिज्म रख दिया बेटा, ठीक है, यहां पर प्रिज्म रखा है, यहां पर क्या डाला मैंने, प्रिज्म पे क्या डाल दिया, एक नॉबल डाल दिया, ठीक है, हेल्प से नॉबल डाल दिया, यहां पर एक लाइट रे ड्रॉ कर दो, और एक पेंसिल से यहां पर एंगल मान लो 35 डिग्री है, ठीक है, यहां पर दो वॉल पेन लगा दो, वॉल पेन जानते हैं सिंपल। जब आप यहां से देखो बेटा, ये क्या है मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, यहां से देखोगे तो आपको वॉल पेन दिखाई देंगी, लाइन खींच देगा, ऐसे करोगे क्या आ जाएगा, ये मेरा डेल आ जाएगा, दिख रहा है। याद रखो डी कैसे रखोगे, बहुत से लोग क्या करते हैं डी ऐसे रख देते हैं, ऐसे गलत तरीका हो गया। डी कैसे रखनी है, हमें डी ऐसे रखनी है, ऐसे तब एंगल लेना, ठीक है। तो डी रखने का तरीका भी पता होना चाहिए, अगर आपको डी रखने का तरीका मालूम नहीं होगा, डेफिनेट सी बात है आप क्या करोगे, प्रैक्टिकल गलत बना जाओगे। आप बना रहे होगे 35 डिग्री और वहां पे दिख रहा होगा कितना, 55 डिग्री या 65 डिग्री दिख रहा होगा, ठीक है, दैट्स व्हाई 65 तो नहीं होगा, 90 में से माइनस कर लेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रिज्म बनाओगे, कितने केस बनाओगे, ऐसे आपको 5 डायग्राम, मिनिमम 4 डायग्राम से काम चल सकता है, 5 बनाओ। देखो फिर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ किसमें है, डेल में और आई में, ध्यान दो 35 के लिए हमने प्रैक्टिकली किया हुआ है, 35 डिग्री के लिए एंगल की वैल्यू आती है लगभग 55 डिग्री के आसपास, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। फिर 40 डिग्री के लिए थोड़ी सी वैल्यू गिरेगी, फिर 45 के लिए थोड़ी सी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, देखो 50 और 55, मतलब ग्राफ पहले ऐसे जाएगा उसके बाद ये जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाले पॉइंट पर देखो, हमारा पॉइंट देख रहा है आपको, लगभग 40-42, ये प्रैक्टिकली फाइंड करते हैं आप, थ्योरेटिकली फाइंड नहीं करें कि मिनिमम डेविएशन की वैल्यू है डेल एम। एक चीज देखो, डेल एम मान लो सपोज करो डेल एम आपका 40 डिग्री आ गया, ठीक है, 40 डिग्री पे डेल एम मिल गया आपको, ठीक है, 40-42 जितना भी आ जाए क्या रख दो उसको। देखो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए की वैल्यू कितनी है, 60 प्लस 40 डिवाइड बाय 2, वही हो जाएगा साइन 30, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 50 अपॉन साइन 30, साइन 50 कितना होता है, साइन 50 होता है 0.75 डिवाइड बाय साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 0.5, इसको सॉल्व करना कितना आंसर आएगा 1.51। तो जो आप जब ये प्रैक्टिकल करोगे ये वाला बेटा, तो आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना आना चाहिए, आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आना चाहिए कितना, 1.51, मतलब आपको एक रीडिंग नहीं, कितनी रीडिंग चाहिए, मिनिमम 4 मैक्सिमम 5 रीडिंग चाहिए, ठीक है। ग्राफ पेपर पर बनाओ, इसकी प्रिकॉशन क्या है, आपको प्रॉपरली देखना है, देयर विल बी नो पैरेलेक्स, और हमेशा ऑल पिन के किसको देखोगे, बॉटम को देखोगे, किसको देखना, ऑल पिन का बॉटम देखो, आप अगर टॉप देखोगे क्या पता ऑल पिन ऊपर से ऐसी हुई,
ऐसी ऑल पेन देखो, आपने एक ऑल पेन लगाई, ऑल पेन ऐसी है, ठीक है। तो आप उसको टॉप को मत देखो, आप क्या देखो उसके बेस को देखो, बेस उसका क्या होगा, फिक्स होगा, देयर विल बी नो पैरेलेक्स एरर, मतलब आपकी जो ऑल पेन है सब एक लाइन में होनी चाहिए, नियरली 2-2 सेंटीमीटर का क्या हो, मैं सेपरेशन हो, ठीक है। आप ज्योमेट्री बॉक्स प्रॉपरली यूज करें, 35 डिग्री है यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर फिर 40 डिग्री, यहाँ पर 45, यहाँ पर 50, आप ऐसे वैल्यू निकालते जाना, ग्राफ पे प्लॉट करोगे, ग्राफ के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी उसको इस फॉर्मूले में रख दोगे, और ए की वैल्यू तो हमेशा ही 60 होती है, और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा, 1.51। याद रखो ये बोर्ड में कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 8 मार्क का प्रैक्टिकल है, विदाउट प्रैक्टिकल नॉलेज कोई मतलब नहीं तुम्हारी थ्योरी का, ठीक है, वो एक टाइप से रद्दी है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, टू ड्रॉ अ ग्राफ मटेरियल बदल गया, प्रिज्म फॉर्मूला ये होता है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेना, इसके लिए टेबल कैसे बनाओगे, सबसे पहले सीरियल नंबर, ठीक है, फिर आई की वैल्यू, डेल की वैल्यू, बस ये हमारी टेबल बना लेना, बुक में तो बहुत डिटेल में टेबल दी होगी, इतनी बड़ी टेबल नहीं बनानी पड़ती है हमें, आई की वैल्यू, डेल की वैल्यू, उसके बाद क्या होगा बता देना, किसके लिए मिनिमम वैल्यू आई है उसके लिए पुट करके आंसर आ जाएगा, बट ग्राफ विल बी अ वेरी प्रॉपर। ग्राफ कैसे बनाओगे, ग्राफ पेपर पर, बहुत से बच्चों को ग्राफ पेपर यूज करना नहीं आता, तो प्लीज ग्राफ पेपर यूज करो और ग्राफ पेपर बनाओ, और ये जो पेज आएगा ना, पेज आएगा A4 साइज की जो शीट आएगी, यही आपकी क्या है, ऑब्जर्वेशन है, इसको क्या करोगे आप प्रैक्टिकल में पेस्ट करना, प्रैक्टिकल मैनुअल में, और उस समय जब प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल कॉपी मिलती है सीबीएसई की तरफ से, उस कॉपी में आपको क्या करना पड़ेगा, टीचर के साइन करके इसे स्टेबल करना पड़ेगा, ठीक है। इससे इससे श्योरिटी हो जाती है कि आपने प्रैक्टिकल किया हुआ है, आपने एग्जैक्ट रीडिंग निकाली है, और आपने ये ग्राफ भी प्लॉट किया है, और इस ग्राफ को बोलते हैं ग्राफ, इसके लिए फॉर मिनिमम डेविएशन, ठीक है। तो आप ये ग्राफ समझो, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। और बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो, जरूर बताएं, ठीक है बेटा। और बस बाकी इस पे न्यूमेरिकल्स भी है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो हम बाद में देखेंगे, तब तक आप इसको कंप्लीट करें, ये आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है। बाकी मैंने लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूले अभी पोस्ट किए हुए हैं, उनको देखो, रे ऑप्टिक बहुत ही फैंटास्टिक चैप्टर है, बहुत मजा आएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो आपको नंबर मेरा पता है, आपको सारी जानकारी है, जो भी दिक्कत आए, ऑनलाइन क्लास भी चल रही है जूम पर, और यहाँ पर भी आप ऑनलाइन ले रहे हैं, तो आप सब कुछ अच्छे से पढ़ें। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद, थैंक यू।